हेलो गाइस, हाउ आर यू? एंड दिस इज़ माय सोशल स्टडी क्लास सिक्स एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, बिफोर दिस पार्ट वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शॉर्ट एंड लॉन्ग questions of this chapter. So guys, take your book and open the page number 155, and you can see here the questions. First of all, we will do the short questions. My first question is, what do you mean by a joint family and a nuclear family? बच्चों, आप joint family और nuclear family से आपका क्या मतलब है या क्या समझते हो? You have to go the page number 149 और 149 पर यहाँ आपकी diversity in the family structure दिया है, उसका second जो पैरा है उसकी first line से ही आपको करना है। इन आ जॉइंट फैमिली से लेकर बच्चों मेक अ फैमिली तक, ये आपका शॉर्ट का फर्स्ट है या ई का फर्स्ट आंसर है। इन आ जॉइंट फैमिली से स्टार्ट करना है और एक पैराग्राफ एंड मेक अ फैमिली तक। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप समझ लेना। इन आ जॉइंट फैमिली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़िन लिव टुगेदर इन द सेम फैमिली, बट इन न्यूक्लियर फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन लिव टुगेदर एंड मेक अ फैमिली। बच्चों, ये आपका शॉर्ट का मतलब ई का फर्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर जनरली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? बच्चों, वो ये कह रहा है कि हमारे समाज का कौन सा जो सेक्शन है वो सामान्य तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहता है, तो वो है पुअर पीपुल। तो बच्चों, आपको स्टार्टिंग में विच को कट कर देना है और विच की जगह द पुअर पीपुल लिखना है, विच को हटा देना है बस, और विच की जगह द पुअर पीपुल लिखकर बाकी पूरा क्वेश्चन से नकल करना है। सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर जनरली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये पूरा आपको नकल करके लिख देना है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द स्टेट वेयर हिंदी इज कॉमनली यूज्ड। वो स्टेट्स बताइए जहाँ पर हिंदी जो है वो बोली जाती है। तो बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये टू स्टेट हैं जहाँ पर मोस्टली हिंदी इज़ यूज्ड, जो हिंदी लैंग्वेज है वो आपकी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द वेरियस रिलीजन फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ दिस रिलीजन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। बच्चों, यू हैव टू गो पेज नंबर 151। क्वेश्चन का मीन्स है कि इंडिया में कौन कौन से जो धर्म है वो पाए जाते हैं और किन धर्मों का उदय इंडिया में हुआ था। यू हैव टू गो दी पेज नंबर 151। और बच्चों, यहाँ पर आपको 151 पर रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटी है, वहीं पर उसकी जो सेकेंड लाइन है उसी पैरा की सेकेंड लाइन वहाँ से ही स्टार्ट करना है, मतलब हिंदुस्म से स्टार्ट करना है बच्चों। और थर्ड लाइन जैनिज्म ऑरिजिनेटेड इन इंडिया, यहाँ पर फिनिश करना है। नाउ क्लियर? हिंदुस्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिक्किज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड जोरोस्ट्रिज्म, यहाँ से बच्चों आपको शुरू करना है। लिव की जगह बच्चों आपको लिव कट कर देना है और लिव की जगह आर फाउंड लिखना है। ओके, लिप को कट करके आर फाउंड, फिर बाकी पूरा लिखना है आगे भी। इन इंडिया सम रिलीजन सच एज हिंदुज्म, सिक्किज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑर्गेनेटेड इन इंडिया, यहाँ तक। तो हिंदुज्म से लेकर ऑर्गेनेटेड इन इंडिया तक करना है, ये है आपका E4। और एक चीज बच्चों, वन इंफॉर्मेशन हियर, लिप को काट कर आर फाउंड करना है। दिस इज़ दी आंसर नंबर फोर्थ, मतलब E4। नेक्स्ट बच्चों, यू हैव टू कट द क्वेश्चन नंबर फाइव, फिफ्थ,
जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों वो आपको कट करना है। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एफ वाले, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। बच्चों फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उनको लिखना है। तो बच्चों ये है आपके पेज नंबर 149 से लेकर 150। तो बच्चों यहाँ पर आपका 149 पर एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली है, वहाँ से ही शुरू करना है। हेडिंग भी मेंशन करनी है, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली में हेडिंग मेंशन करनी है, और फिर उसका जो पॉइंट है आपका फर्स्ट पॉइंट, इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स हेल्प ईच अदर, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली फील सिक्योर बिकॉज वेन एवर देयर इज एनी प्रॉब्लम अदर आर रेडी टू हेल्प एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय म्यूचुअल कॉरपोरेशन। ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। सेकेंड भी आपको पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट भी लिखना है। एफ का फर्स्ट ही चल रहा है बच्चों अभी आपका, यानी कि लॉन्ग का आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही चल रहा है अभी। पहला पॉइंट तो अभी बताया है, इसमें दूसरा पॉइंट भी मेंशन है, वो भी आपको फुल लिखना है। तो बच्चों एडवांटेज में तो आपके हो जाएंगे पहला, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दोनों ये हो जाएंगे, और इसके बाद बच्चों वो डिसएडवांटेज भी पूछ रहा है। तो डिसएडवांटेज में आपको यानी कि जॉइंट फैमिली के टू पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, नंबर वन नंबर टू। नंबर वन जो पॉइंट है, आज जॉइंट फैमिली समटाइम बिकम्स एन ऑब्स्ट्रैक्शन इन द प्रोग्रेस ऑफ एनी इंडिविजुअल। सेकंड, समटाइम इन अ जॉइंट फैमिली वी सी डेट्स सम मेंबर आर मोर एक्टिव वाइल अदर आर नॉट सो एक्टिव, सो देयर आर क्यूरल एंड डिसएग्रीमेंट ऑन सर्टेन इशूज। तो बच्चों अब आपका एफ का फर्स्ट जो है वो क्लियर हुआ। पहले आपको दो पॉइंट जॉइंट फैमिली के एडवांटेज के लिखने हैं फुल, और टू पॉइंट्स आपको जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज के लिखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हाउ कैन यू से इंडिया इज कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप कैसे कह सकते हो कि जो इंडिया है वो, इंडिया में यूनिटी के साथ साथ जो है वो डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो बच्चों यू हैव टू गो पेज नंबर 152, और पेज नंबर 152 में बच्चों आपका ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हेडिंग है वो मेंशन हो रही है, वहीं पर ही आपको शुरू करना है एफ का टू डालकर। कहाँ से, इंडिया इज, शुरू से ही, इंडिया इज कंट्री ऑफ ट्रीमेंडियस डाइवर्सिटी बट इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैव बीन अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वैन दी ब्रिटिश रूल इंडिया दे टायर टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स एंड कास्टिस। बच्चों यहाँ तक करना है पहले, तो इंडिया इज़ अ कंट्री से लेकर रिलीजन एंड कास्ट तक यहाँ तक करना है एफ का टू, मतलब लॉन्ग का टू। फिर एक लाइन छोड़ देनी है बच्चों, और जहाँ आपका बट लिखा हुआ है डिवाइड और रूल के नीचे जो बट लिखा हुआ है वहाँ से शुरू करना है, बट से। बट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ द ऑल रिलीजन एंड कास्ट केम टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया तक। आया बच्चों समझ में, यहाँ तक हुआ आपका बट से लेकर इन इंडिया तक, ये आपका एफ का टू कंप्लीट हुआ। पहले इंडिया से लेकर, इंडिया इज़ अ कंट्री से लेकर रिलीजन एंड कास्ट तक, फिर बट से लेकर, बट ड्यूरिंग से लेकर इन रूल इन इंडिया तक, एफ का टू। नेक्स्ट बच्चों थ्री, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। बच्चों इसका मैंने आपको ये नीचे लिखा दिया है, आप देख सकते हो मैंने लिखा है इसका, मतलब फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके नीचे जो लिखा है वो आपका थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो थर्ड वाला आपका यहाँ पर ये जो थ्री पॉइंट्स लिखे हैं वो ही आपका लॉन्ग का जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है। पहला जो पॉइंट है बच्चों सोशियो, आपको नंबर भी पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं, यानी कि थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का वन पॉइंट सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ध्यान रखना बच्चों सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी लिखना है। बुक में भी आप देख सकते हो जो हेडिंग है वही। सेकेंड रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटी, सेकेंड पॉइंट में रिलीजियस एंड कास्ट डाइवर्सिटी, और थर्ड में बच्चों लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी।
थर्ड में आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी 1, 2, 3 ऑल थ्री पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये बच्चों आपका जो आंसर है वो थर्ड हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिटी इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मैनी डाइवर्सिटी। बच्चों भारतीय मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन से तरह तरह के जो स्टेप हैं वो लिए गए हैं इंडिया में यूनिटी लाने के लिए, हालांकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है उसके बावजूद भी। तो यू हैव टू गो दी पेज नंबर 154, पेज नंबर 154 पर बच्चों आपको, पेज नंबर 154 पर आपका जो पॉइंट्स टू नो है, पॉइंट्स टू नो का जो लास्ट पॉइंट है बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट्स टू नो का जो लास्ट पॉइंट है जिसे हम बता रहे हैं वो ही आपका लॉन्ग का फोर्थ आंसर है, इट मींस एफ का फोर्थ। कहाँ से है बच्चों लास्ट का फुल पॉइंट लिखना है, दी होल कंट्री, यहाँ से शुरू करना है आपको, दी होल कंट्री से लेकर पूरा पैरा, लैंग्वेज दे स्पीक, दिस इज दी आंसर नंबर फोर्थ। दी होल कंट्री से आपको शुरू करना है और लैंग्वेज दे स्पीक पर आपको फिनिश करना है, दिस इज दी आंसर नंबर फोर्थ मतलब लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग का एफ का फोर्थ है। एक बार इसे पढ़ देती हूँ पूरा जो है, दी होल कंट्री इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ फेडरल सेटअप विच गिव्स प्रॉपर रिकॉग्निशन टू ऑल दी स्टेट लॉ आर इनेक्टेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी पीपुल इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट और लैंग्वेज दे स्पीक। फ्रेंड्स नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, यू हैव टू लर्न इट सो गाइस एंड ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक, सो थैंक यू फ्रेंड्स।